हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में जो कि टैली प्राइम की होने वाली है, हम जानेंगे कि कैसे हम यूनिट बनाते हैं और यूनिट बनाने का महत्व क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो चलिए अब यहां से एक कंपनी हमारे पास गोयल एंड गोयल मौजूद है और इसी में हम अब बनाने वाले हैं एंट्री। तो चलिए परचेस वाउचर चूज कर लेते हैं। यहां से हम अभी परचेस करने वाले हैं, तो यहाँ पर सप्लायर का जो इनवॉइस नंबर है वो डाल दिया हमने। वो डेट आएगी जिस डेट पर होगी खरीदारी, ठीक है। यहां पर मैं डेट कर देता हूं 1/11/2020, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर आ जाएगा कैश। मैं कैश में परचेजिंग कर रहा हूं। एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आ जाएंगे और एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आएंगे। अब यहां पर बनेगा परचेज अकाउंट का लेजर, तो यहां पर बना लीजिए परचेज अकाउंट, ठीक है। ये हमने किया और ये जाएगा अंडर परचेज अकाउंट में। फिलहाल इसे एंड ऑफ लिस्ट करता हूं यहां पे, और ये परचेज अकाउंट में जाएगा। पी प्रेस करता हूं, यहां परचेज अकाउंट का जो है शो हो जाएगा यहां पर, और यहां पर डिस्काउंट नहीं रखेंगे हम। एंटर प्रेस करते हुए इसको करा लेंगे एक्सेप्ट। अब यहां पर स्टॉक आइटम बनाना है। चलिए स्टॉक आइटम बनाने के लिए ऑल्ट के साथ सी प्रेस करते हैं और यहां एक स्टॉक आइटम बना रहा हूं, बुक ऑफ साइंस। ठीक है, साइंस की बुक है और एंड ऑफ लिस्ट किया यहां, ठीक है। वो चीज यहां पर आएगी, तो इसको मैं अभी छोड़ता हूं। यहां पर प्राइमरी ही रखता हूं और यहां पर आते हैं। यहां पर यूनिट बनाना है। हम अगर यूनिट नहीं बनाते हैं डायरेक्टली यहां पर आकर के एक्सेप्ट करा करके और यहां पर आ जाते हैं, तो यहां पर आप डायरेक्टली चले जाओगे अमाउंट पर। आपको ये तो पता ही नहीं कि आपने कितनी क्वांटिटी खरीदी, क्योंकि वहां पर तो कर्सर जाएगा नहीं क्योंकि आपने यूनिट बनाया नहीं। तो ये प्रॉब्लम बहुत से लोगों को आती है जो खासतौर पर बिगिनर है, ठीक है। तो उन बिगिनर्स को ये कहना चाहूंगा कि यूनिट बनाना बहुत जरूरी है, ठीक है। यूनिट अगर नहीं बनाएंगे तो फिर सब काम हो जाएगा गड़बड़, ठीक है। तो यहां से पहले हम बाहर आ जाते हैं और पहले हम यूनिट बना लेते हैं। अल्टर पे चलता हूं और यहां से हमें चलना है कहां, स्टॉक आइटम्स पर, ठीक है। तो ये स्टॉक आइटम पर आ गए हम और यहां से हमें यूनिट बनाना है। अभी देखिए यूनिट अगर बनाऊंगा मैं, यहां पे देखिए अल्टर सी प्रेस करता हूं, यहां पे कर देता हूं आइटम, ठीक है, आईटीएम, और यहां पे पूरा नाम लिख देता हूं आइटम और एंटर प्रेस करके, और यहां पर क्वांटिटी पैक्स पैकेट पीसेस, ठीक है, जो भी हो वो यहां पे कर लीजिए आप। तो यहां पे कर देता हूं पीसेस, ठीक है। एंटर प्रेस करता हूं और इसको एंटर प्रेस करके एक्सेप्ट कराता हूं, ठीक है। अब यहां पर हम बाहर आ जाते हैं और वापिस से वही एंट्री मैं पास करने वाला हूं जो एंट्री हम पास कर रहे हैं। तो यहां पर कोई भी नंबर दे देता हूं, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं। यहां पर कैश ही रखेंगे और एंटर 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 प्रेस करके इसको एक्सेप्ट कराएंगे। यहां पर एंटर 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 प्रेस करके इसको भी, फिर यहां परचेज अकाउंट आ जाएगा और वही जो हमने बुक ऑफ साइंस बनाया था उसी स्टॉक आइटम को मैं ले रहा हूं। अब आपका कर्सर क्वांटिटी में आएगा। अब यहां पर कितनी क्वांटिटी आप परचेस कर रहे हैं वो डाल दो और रेट डाल दो, अदरवाइज रेट में भी नहीं आएगा और क्वांटिटी में भी आपका कर्सर नहीं जाएगा अगर आप यूनिट नहीं बनाते हैं तो ये हो गया। अब इसको चाहे तो आप एक्सेप्ट करवा सकते हैं, ये खास बात है यूनिट की। एक और एंट्री पास करके दिखाता हूं, एक और स्टॉक आइटम हम बनाएंगे। जैसे यहां पर कैश ही कर देता हूं, एंटर 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 प्रेस करता हूं, यहां पर आते हैं, यहां पर भी एंटर प्रेस करते हुए यहां पर आ जाएंगे। अब एक स्टॉक आइटम बनाता हूं मैं, जैसे मान लीजिए मैं लिखता हूं शुगर, तो इस बार शुगर लिया है हमने, एंटर प्रेस करता हूं, एंटर प्रेस करता हूं और यहां पर प्राइमरी रखेंगे। यहां पर आइटम के बजाय मैं बनाऊंगा किलोग्राम, केजी, ठीक है, केजी इसका सिंबल है और यहां लिख देता हूं किलोग्राम, ठीक है, और एंटर प्रेस करता हूं। और यहां पर के प्रेस करेंगे तो केजीएस या जो किलोग्राम बनाया गया है इसमें आपको मिल जाएगा। यहां पर देख सकते हैं ये केजीएस किलोग्राम लिख करके आया हुआ है और यहां पर 3 कर देता हूं क्योंकि आधा किलो भी अगर ये तो वो पॉइंट में वैल्यू ले लेगा। एंटर प्रेस करते हुए इसको एक्सेप्ट करा लेंगे, ठीक है। अब मान लीजिए कि शुगर जो है 100 किलो हमने खरीदी, ठीक है, यहाँ पे 100 किलो लिखा और यहां पर इसकी रेट जो है 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से 100 किलो शुगर हमने परचेस की। अब मान लीजिए फिर से शुगर परचेस कर रहे हैं, ठीक है, और इस बार कितना शुगर परचेस कर रहे हैं, सिर्फ 0.50 यानी आधा किलो परचेस कर रहे हैं, ठीक है। तो आधा किलो, एक किलो का रेट हमें यहां पे देना है, तो 40 रुपए एक किलो का रेट है, तो इस हिसाब से आधा किलो का रेट 20 रुपए अपने आप यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। और इसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करके इसको करा लीजिए एक्सेप्ट। तो इस तरीके से आपने देखा कि यूनिट बनाने का क्या महत्व है टैली प्राइम में। तो अगर वीडियो पसंद आए तो इसे शेयर कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।